नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और वीडियो में, जो कि है एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों, अगर आप इस बीमारी को शुरू से अंत तक जानना चाहते हैं और इसका सटीक उपचार जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो मित्रों, वीडियो में मिलते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है। कब्ज क्या होता है? कब्ज इनडाइजेशन का एक लक्षण है कि व्हेन एवर द पेशेंट, एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इनडाइजेशन, देन द कॉन्स्टिपेशन विल बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ द इनडाइजेशन इन दैट केस। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि कब्ज। और कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो डेफिनेशन बताई गई है कि कॉन्स्टिपेशन रिफर टू द reduced bowel movement in which the stool is often hard and dry. So this condition is known as the constipation. मतलब constipation का एक मरीज तब शिकार होगा जब उसकी आंतों की चाल स्लो पड़ जाएगी और इस स्लो आंतों की चाल के साथ साथ उसको जो है स्टूल डिफ़िकल्टी के साथ हो और हार्ड हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं constipation। वही constipation का अपोजिट होता है डायरिया। उसकी जो परिभाषा ये बताई गई है कि जब आंतों की चाल एक हद से ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, और वो चीज़ इस एसोसिएटेड विद द फ्रिक्वेंट एंड लूज स्टूल, तो डेट इज़ नोन एज द कॉन्स्टिपेशन। तो ये दोस्तों हमने समझा कि ये कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। अब ये कितना पाया जाता है मित्रों, एज फार एज द स्टेटिस्टिक्स इंसिडेंसेज एंड प्रिवलेंसेज आर कंसर्नड, कॉन्स्टिपेशन is one of the most prevailing problem in the whole world। ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की जो टॉपिक है, इसको मैं एक वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगा। इसको मेरे को कम से कम 3 वीडियो लगेंगे। ये उस वीडियो का पहला पार्ट है जो कि है कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद जो मैं अगला वीडियो लूँगा वो लूँगा मैं इनडाइजेशन के ऊपर, और उसके बाद जो अगला वीडियो मैं लूँगा वो लूँगा मैं फ्लैचुलेंस, मतलब गैसेस के ऊपर। तो कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस की हम अगर बात करें तो वो क्या है। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन का कॉज है इनडाइजेशन, कि जब खाना नहीं पचेगा, तो खाना अगर नहीं पचेगा तो इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा तो गैसेस होंगी, गैसेस होंगी तो फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो उतना प्रॉपर नहीं चलेगा, और उसकी वजह से एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये इनडाइजेशन विच इज़ द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इसको हम अगले वीडियो में ही समझेंगे। इसके लिए मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। जो अगला कारण क्या है, लाइफ स्टाइल। कॉन्स्टिपेशन के पीछे और कुछ भी नहीं, हम लोगों की लाइफ स्टाइल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पिछले कुछ समय से हम लोगों के पास पैसा आया है, तो हम उस पैसे का जो दोहन, मतलब उसका यूज़ जो करते हैं, वो जनरली करते हैं अच्छा अच्छा खाना खाने में। उस पैसे को कमाने के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो फलस्वरूप हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस का कोई भी टाइम नहीं निकल पाता। और यही दो चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा खाना एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि समय ही नहीं है, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो पहला कॉज था इंडाइजेशन, दूसरा कॉज हो गया लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर की कौन सी बातें हैं कि बहुत ज़्यादा खाना, ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो तीसरा जो चीज़ है, फूड हैबिट्स, हमारी जो फूड हैबिट, ये तीसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। जैसे कि हम कुछ जंक फूड खाते हैं, हम फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम कोर्स डाइट पसंद करते हैं। एंड व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कोर्स डाइट? फाइबर डाइट। वी अवॉइड द फाइबर डाइट, कोई ना, नोबडी वांट्स टू टेक द फाइबर डाइट। तो दोस्तों, हमारी फूड हैबिट्स ही जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का, कि हम फाइबर्स को नहीं प्राथमिकता देते हमारे खाने में। फाइबर्स मतलब फाइबर्स जो कच्ची सब्जियां होती हैं, जैसे कि आपका सलाद हो गया, अंकुरित चने हो गए, अंकुरित मूंग हो गई, है ना, ये जो चीज़ें होती हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, कच्चा सलाद हो गया,
ककड़ी हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गई, गाजर हो गई, इन सब के अंदर बेसिकली फाइबर्स पाए जाते हैं। एंड इन नाउअडेज नोबडी वांट्स टू ईट फाइबर्स, ईच एंड एवरीबडी वांट्स टू ईट पिज़्ज़ा, ईच एंड एवरीबडी वांट्स टू ईट बर्गर एंड ऑल दीज थिंग्स। द फूड विथ लेस कंटेंट ऑफ फाइबर, इसका सेवन और इसकी चाहत ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को पैदा कर रहा है, क्योंकि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो इसके अंदर फाइबर्स ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूँगा इस बात को कि द वैल्यू विच ऑयल हैव फॉर द इंटरनल कम्बस्चन इंजन के लिए, जो वैल्यू तेल रखता है क्यों, उसको ल्यूब्रिकेट करता है, उसी तरह से हमारी जो इंटरनल मशीनरी है, मतलब हमारे बॉवल्स, मतलब हमारे इंटेस्टाइनल लूप्स, इनको अगर हमको ल्यूब्रिकेट करना है तो इनका ल्यूब्रिकेशन फाइबर्स करते हैं, जिस तरह से एक इंजन के अंदर ल्यूब्रिकेशन ऑयल करता है। और यहाँ उल्टा है, हम वी आर ट्राइंग टू ल्यूब्रिकेट अवर इंटेस्टाइन विद द ऑयल, क्योंकि वी आर ईटिंग द फूड विच इज रिच इन द ग्रेवी एंड रिच इन द ऑयल कंटेंट। So this is not the internal combustion engine, this is the human intestine and human bowel, and it needs fiber to get motivate and motile and lubricated rather than the oil, जो कि आज की तारीख में हम ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो जो तीन पॉइंट हो गए, पहला इंडाइजेशन हो गया, दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, तीसरा जो हो गया हमारा डाइट या फिर हमारी फूड हैबिट्स हो गई, चौथा हो गया मेडिकेशन। देर आर सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन, जैसे बीटा ब्लॉकर जो कार्डियक पेशेंट लेते हैं, या फिर कई जो डायबिटीज़ की दवाएं रहती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अमॉन्ग अस आर टेकिंग द मेडिसिन फॉर एनी रीज़न। उनको या तो थायराइड है तो वो दवा खा रहे हैं, उनको बीपी है तो वो दवा खा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है तो दवा खा रहे हैं, बहुत ख़राब किस्मत है शायद तीनों बीमारी हैं तो वो दवा खा रहे हैं। तो ये जो देर आर सर्टेन एलोपैथिक मेडिकेशन जिसका लॉन्ग टर्म यूजेज का जो आउटकम रहता है वो कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो द फोर्थ रीज़न इज़ मेडिकेशन। द फिफ्थ रीज़न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ स्ट्रेस। दिस कैन बी रिगार्डेड एज द साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये होता है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम देखते हैं, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है कि किसी के घर में मान लीजिए डेथ हो गई किसी की, या फिर किसी को कोई फाइनेंशियल बर्डन आ गया, या सास बहू के झगड़े हो गए, तो ये हमने देखा है कि ऐसी जो कंडीशंस होती हैं ये कहीं ना कहीं आपके माइंड का कंट्रोल, आपका सिंपैथेटिक और मतलब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है बॉवेल्स के ऊपर से, उसको विड्रॉ कर लेती है। मतलब मैं तनाव में रहूँगा तो मेरी दिमाग का कंट्रोल मेरी आंतों के ऊपर उतना नहीं होगा, एंड इट रिजल्ट्स इन व्हाट, इट रिजल्ट्स इन टू द टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस अगर यहाँ पे आएगा तो आंतों की चालों पे उसका सीधा फर्क पड़ता है और बंदा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। अगला जो कारण है वो भी बहुत फ्रिक्वेंट है, वो है ट्रैवलिंग। मतलब हम में से कई लोग आज की तारीख में टूरिंग जॉब कर रहे हैं, उनको दे हैड टू ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनादर। अब वो उस ट्रैवलिंग के कारण क्या दिक्कत होती है, जो कि अगला इसका पॉइंट है कि डिसऑर्डर्ड सर्केडियन रिदम, वो मैं बताता हूँ क्या है। कि जब आप बंदर ट्रेवल करता है तो उसके खाने का, उसके पीने का, उसके नाश्ते का, उसके जगने का, उसके सोने का कोई टाइम निर्धारित नहीं रहता। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसके ट्रेवलिंग शेड्यूल के हिसाब से चलता है, ना कि उसके नेचुरल रिदम के हिसाब से, और अल्टीमेटली आदमी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इसको, है ना। तो अगला उसका जो अगला कारण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसऑर्डर्ड सर्केडियन रिदम, जो कि इसी पॉइंट से ताल्लुक़ रखती है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को है ना उसकी 12 बजा के रखी हुई है, या तो वो स्टूडेंट्स हैं, या तो वो ऐसे जॉब में जहाँ पे उनको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, या फिर वो चेंजिंग शिफ्ट में कहीं काम करते हैं। तो ड्यू टू ऑल दिस कंडीशन, और हमारे में हम तो ये देख रहे हैं कि आजकल लोगों को सोना है ही नहीं रात में, जल्दी लेट ही सोते हैं वो। मतलब अगर इफ़ दे आर नॉट इंगेज इन एनी वर्क एट ऑल तो दे डू नॉट हैव टू स्लीप एट ऑल, वो उनका 1 बजे 1:30 बजे ही नींद होता है। और ये सब चीज़ें जो एक कहावत हमने कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जो कहावत हमने सुनी थी कि जल्दी सो जल्दी उठो इससे हम स्वस्थ रहते हैं, अल्टीमेटली ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और यही नहीं होने के कारण हमारा सर्केडियन रिदम, मतलब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक आउट हो चुका है, और इसकी वजह से ही हम लोग कॉन्स्टिपेशन के विक्टिम बन गए हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़,
और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऐसी बीमारियां जहां पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि कोई पैरालिसिस की कंडीशन है, पैरेटिक कंडीशन है, पार्किंसन डिजीज है, इन सब बीमारियों के अंदर भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन इज़ अ थंब रूल, वो आता ही आता है। तो दोस्तों हमने कॉजेज़ के अंदर कितने सारे कॉजेज़ पढ़े, हमने पहला कॉज पढ़ा इनडाइजेशन, जिसके बारे में अगला वीडियो आने वाला है, जो दूसरा था लाइफ स्टाइल हमारी, तीसरा फूड हैबिट्स हम लोगों की किस तरह से बिगड़ रही हैं, चौथा था मेडिकेशन, पांचवा था स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल कॉज, छठवा था ट्रैवलिंग, सातवा था डिसऑर्डर्ड सर्कैडियन रिदम, और आठवा था कुछ मेडिकल कंडीशन। तो दोस्तों ये हमने समझे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन। अब अपन आ जाएंगे जो अगला पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अभी हमने देखे थे कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। जो दो बहुत फ्रिक्वेंट कॉन्स्टिपेशन के जो आउटकम्स आते हैं वो होता है फिशर इन एनो, मतलब जो एनल एरिया होता है, जो रेक्टम का जो द्वार होता है जहाँ से मल अपना बाहर एवेक्यूएट होता है, उसको बोलते हैं एनस। तो एनस के जस्ट अंदर या एनस से चालू होकर जब एक दरार बन जाती है, उस दरार, एक दरार जैसे एड़ियाँ फटती हैं, जब ये सेम दरार एनल रीजन में अंदर रेक्टम में पाई जाती है, तो दैट इज़ नोन एज द फिशर इन एनो। ये क्यों होती है? क्योंकि भाई ड्राइनेस के कारण होती है। ऐसे लोग जिनको दो दो दिन तीन दिन तीन अगर मोशन नहीं होगा और उसके बाद उनको फोर्थ डे या थर्ड डे या सेकंड डे मोशन हुआ और वो मोशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो मोशन क्या करता है, इवैक्यूएशन के टाइम पे जो आंतों की और रेक्टम का जो मोमेंट होता है उसको एक्सपेल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत कड़क हो जाता है, वो कड़क लैटरिन के कारण यहाँ दरारें बन जाती हैं, जिसको बोलते हैं फिशर इन एनो। इसका सीक्वल है, जो इसके बाद जो जनरली देखने में आता है इसी कॉन्स्टिपेशन के कारण, और उसको भी मैं इंडाइजेशन के वीडियो में और फ्लेचुलेंस में कवर करूंगा, कि इनको पाइल्स भी बन जाते हैं। पूरी दुनिया जानती है अच्छे से कि पाइल्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट आउटकम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद जो अगली जो चीज़ जो हो सकती है इन लोगों के अंदर अपार्ट फ्रॉम द पाइल्स एंड फिशर, वो हो सकता है इंटरसेप्शन ऑफ बॉवेल। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या है, एक एक दो दो दिन जो लोग ऐसे, देयर आर सम पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा जिनको कॉन्स्टिपेशन सीवियर होता है, जो तीन तीन चार चार दिन मोशन नहीं जाते। इनमें कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रस्त पेशेंट भी होते हैं, कुछ आम आबादी भी होती है, कुछ बुज़ुर्ग भी होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि इनकी आंतें जो होती हैं, जैसे आंत जाकर मान लीजिए एक लूप की तरह है, एक पाइप की तरह है, तो इनकी आंतें ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन और रिड्यूस्ड बॉवेल मोमेंट, मतलब इनकी आंतों की चाल इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि कई बार वो स्लोनेस के कारण उनकी आंतें एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। इस तरह से ये आंत नॉर्मल ऐसी होती है, इसकी क्या हुई, ये अंदर घुस गई। दिस कंडीशन इज नोन एज द इंटरसेप्शन ऑफ बॉवेल एंड दिस कैन बी द वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड वेरी रेयर टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के मरीज को अगर सालों तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, 10 साल 20 साल 30 साल, तो उसकी मिड एज में मतलब 50-60s में इंटरसेप्शन ऑफ बॉवेल बहुत कॉमनली देखने में आता है और ये दवाओं से सही नहीं होता। दिस इज़ द सर्जिकली इंटरवेंशनल प्रॉब्लम, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है। जो अगला, तो तीन अपन ने कॉम्प्लिकेशन पढ़े, फिशर, पाइल्स एंड इंटरसेप्शन ऑफ बॉवेल। जो चौथा है वो तीसरे से रिलेटेड है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। अगर इंटरसेप्शन ऑफ बॉवेल बहुत लंबे समय तक रहेगा तो आंतों की चाल रुक जाएगी, आगे स्टूल पास नहीं होगा और इसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी भी सर्जरी करनी पड़ती है। इन दैट केस वो रिसेक्शन ऑफ बॉवेल करते हैं, कि जितने हिस्से में ब्लॉकेज है इंटेस्टाइन में, उसका आगा और उसका पिछला को काट के जो दो एंड है बचे हैं उनको वापस से सिल दिया जाता है, और ये रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में आता है, और ये भी कॉन्स्टिपेशन के मरीजों के अंदर काफ़ी फ्रिक्वेंटली आजकल देखा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखे कि ये क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब एलोपैथी की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि हम हर बार मैं होम्योपैथ हूँ, तो मैं पहले एलोपैथी की बात करूँगा कि एलोपैथी में देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। वो लेग्जेटिव से काम चलाते हैं। लेग्जेटिव मतलब दो सब्सटेंसेज और मेडिसिन विच इंक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ द बॉवेल, इट इज़ नोन एज द लेग्जेटिव एंड सपोजिटरी।
अगर लेग्जेटिव काम नहीं करते हैं तो ये सपोसिटरी मतलब एनीमा जैसी चीज़ें होती हैं जो सीधे रेक्टम में इंसर्ट करी जाती हैं और वो मैकेनिकल लुब्रिकेशन से हाथों को खाली कर देते हैं। इन द सेम वे जो लेग्जेटिव्स होते हैं वो भी मैकेनिकल तरीके से हाथों को साफ करने का काम करते हैं। अब जब दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आते हैं तो सिर्फ होम्योपैथी में ही इसका बहुत सटीक उपचार है। मैं सीधी सीधी आपको दवाएं बताऊंगा, ये दवाएं आप खुद ले सकते हैं। अगर आप मेरे आम दर्शक हैं तो अपने होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद, और अगर आप मेरे कोई कलीग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने केसेस के ऊपर खुद यूज़ कर सकते हैं। मेरी नज़र में देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन माई प्रैक्टिस। मैंने ये बहुत ध्यान से इस हिस्से को देखिएगा, ये बहुत काम का है। दो प्रकार के कॉन्स्टिपेशन मैंने देखे हैं। जो पहला कॉन्स्टिपेशन होता है उसके अंदर बंदा बोलता है मेरे को तो मोशन का प्रेशर ही नहीं बनता, मतलब मैं सवेरे उठता हूँ तो देयर इज़ नो प्रेशर एट ऑल, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ, उसके बाद छत पर टहलता हूँ, उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर बनता है और उस पर भी बहुत हल्का फुल्का मोशन होता है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं। तो ये पहला कैरेक्टर हो गया कि द कॉन्स्टिपेशन विथ नो डिज़ायर टू गो टू स्टूल, कोई इच्छा ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं बन रहा है। ये वो लोग होते हैं कि और सीवियर स्थिति होने पे ये दो दो तीन तीन दिन मोशन नहीं जाता, इनको मूड ही नहीं बनता मोशन जाने का। मतलब क्या, प्रेशर वेशर तो पता ही नहीं है क्या होता है, तो वो मोशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या होता है कि अनलेस अनटिल देयर इज़ द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूल इन द बॉबल, तो फिर वो अल्टीमेटली इनको मोशन होते हैं और तब भी बहुत कड़क और बहुत हार्ड और बहुत पेनफुल मोशन होते हैं। तो जो पहला कैरेक्टर हो गया कॉन्स्टिपेशन का कि विथ कॉन्स्टिपेशन विथ नो डिज़ायर टू गो टू स्टूल, तो जो तीन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द कॉन्स्टिपेशन विथ नो डिज़ायर टू गो टू स्टूल वो है एल्यूमिना, ब्रायनिया एल्बा एंड मैग्नीशिया मूर या मैग म्यूर। इसके अंदर आप देखेंगे कि एल्यूमिना में लिखा है कि जो सॉफ्ट स्टूल होता है ना वो भी इवैक्यूएट होता है विद ग्रेट डिफिकल्टी, और ब्रायनिया एल्बा एकदम हार्ड स्टूल, बर्न्ड स्टूल, ब्राउन कलर का स्टूल, स्टूल विद द डिफ़िकल्टी, स्टूल विद द पेन, विद नो डिज़ायर टू गो टू स्टूल, इसमें ये सब आती हैं। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों मेडिसिन की कि एल्यूमिना और ब्रायनिया एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। एल्यूमिनिया देने के बाद ब्रायनिया देंगे तो एल्यूमिना के काम को कॉम्प्लीमेंट करेगी, और उसके बाद ब्रायनिया के बाद आप फिर एल्यूमिना से फॉलो अप करोगे तो वो ब्रायनिया को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो इसलिए इन दोनों को साथ में देना बहुत ही ज़्यादा अकलमंद डिसीजन हो सकता है। जो तीसरी है मैग म्यूर, मैग म्यूर के अंदर ये बताया गया है कि क्रम्बलिंग एट द वर्ज ऑफ एनस, कि जो स्टूल है वो नीचे ना गिर के इतना चिपचिपा और हार्ड सा होता है कि वो बस वहीं पे ही निकलता है, वहीं चिपकता जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल प्रेशर ना होने की वजह से होता है, क्योंकि इसको प्रेशर होता तो ऐसा नहीं होता। और उसके अंदर जो बकरी की, जो बकरी का स्टूल होता है, बकरी की लैंडी जैसी स्टूल बताई गई है कि छोटी छोटी बॉल्स में होती है, ड्राई होती है, हार्ड होती है, तो दैट इज़ वाई मैग्नीशियम म्यूर। ठीक है, तो ये तीन मेडिसिन है, बहुत सारी हैं, पर ये आपका कम से कम 80% केसेस में आपका काम निकाल देंगे, ये मेरा गारंटी है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। तो सेकंड टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज कॉन्स्टिपेशन इज फ्रिक्वेंट विद द फ्रिक्वेंट डिजायर टू गो टू स्टूल। ये वो लोग होते हैं जो सवेरे 7 बजे उठने के बाद 10-11 बजे के बीच में 5 बार पोटी जाते हैं और होता कुछ नहीं इनको। अच्छा, और प्रेशर ऐसा तूफानी बनेगा कि जैसे भगवान जाने क्या निकलने वाला है। अरे प्रेशर बन गया, प्रेशर बन गया, निकलो निकलो निकलो, अब जाके बैठे कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही स्केंटी स्टूल हुआ, और वो डिज़ायर तब भी रहेगी, मतलब ये मोशन में कमोट से उठ भी जाएंगे ना तो इनको ये लगेगा कि यार अभी शायद फिर आएगी, मतलब इनका दूसरी बार जाने का डिसीजन उठने के पहले ही हो जाता है कि यार मेरे को आई हैव टू टेक अ 1 टी एंड देन आफ्टर आई विल ट्राई आफ्टर हाफ एन आवर। और ये ऐसा 4 बार 5 बार सवेरे सवेरे करते हैं, और जानबूझ के नहीं करते, इनको वाकई में प्रेशर बनता है, इनको प्रेशर बनता है और ये बार बार जाने की स्टूल जाने की। ये वो लोग होते हैं जो टोटल दिन भर में कई बार बहुत बुरी कंडीशन में 6 से 8 बार चले जाते हैं, क्योंकि 4 बार तो निपटते हैं घर पे ही ऑफिस जाने के पहले, और 2 से 3 बार ऑफिस में, और किस्मत ख़राब रही तो 1 बार फील्ड पे भी जाना पड़ता है। तो ये जो है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन था कॉन्स्टिपेशन विथ नो डिज़ायर टू गो टू स्टूल, एंड दिस इज़ द कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड विद द फ्रिक्वेंट इनइफेक्चुअल डिज़ायर टू गो टू स्टूल, कि इनकी जो डिज़ायर्स होती है ना इनइफेक्चुअल होती हैं, कुछ होता नहीं है पर जाना है मेडिसिंस। अब इसकी जो दो मेडिसिन मैं बोलूँगा, सिर्फ 2 या 3 बोल सकते हो, चलो 3 बता देता हूँ। पहली मेडिसिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नक्सवोमिका। नक्सवोमिका का चित्रगत लक्षण है भाई, है क्या है नक्सवोमिका में, साफ लिखा है कि इफ़ द पेशेंट विथ नो डिज़ायर टू गो टू स्टूल, इन दैट पेशेंट नक्सवोमिका इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड।
या ऐसा बंदा है जिसको बार बार लेटरिन जाने की इच्छा होती है, नक्सवोमिका सिर्फ उसी की ही दवा है। ऐसा बंदा अगर जो बोलता मुझे लेटरिन जाने की इच्छा नहीं होती, मेरे को प्रेशर नहीं बनता, नक्सवोमिका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसमें बोरिक ने लिखा है, तो नक्सवोमिका ये प्राइमरी मेडिसिन है इस प्रॉब्लम की। और जो दो मेडिसिन है वो टेक्निकली इंडिकेटेड रहती हैं, उनका जो रूब्रिक है वो अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल ही सही निकालते हैं हम, कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल, फ्रिक्वेंट डिजायर टू गो टू स्टूल, और वो जो मेडिसिन जो दूसरी दो हैं अपार्ट फ्रॉम द नक्सवोमिका, दे आर एलो एंड पोडोफाइलम। अब एलो और पोडोफाइलम के काम करने का तरीका, इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी नहीं डिस्क्लोज करूँगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया ये जो वीडियो है कॉन्स्टिपेशन पे है, इसके बाद इंडाइजेशन पे वीडियो आएगा, और इंडाइजेशन के साथ साथ फ्लेचुलेंस पे और पोर्टल कंजेशन पे। तो दोस्तों ये पूरी चार वीडियो की सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर दिस इज़ द फर्स्ट वन जो है कॉन्स्टिपेशन, इसके बाद आएगा इंडाइजेशन पे, इसके बाद आएगा फ्लेचुलेंस पे, और उसके बाद आएगा पोर्टल कंजेशन पे। और अगर आपने ये चारों वीडियो को देखा, अच्छे से देखा, तो मेरा चैलेंज है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर का केस आपके पास आएगा, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और ट्रीट भी कर पाओगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट से लेके आपको कॉज और डेफिनेशन से चालू करा, और यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट पे ये वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से मदद मिलेगी। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, अगर ये वीडियो आपका ज़रा से भी काम आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बहुत ही जल्द इस वीडियो का अगला पार्ट जो कि है इनडाइजेशन में, उस वीडियो में हम मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।